सभी श्रद्धालु स्नान दे डराता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। कहते हैं कि श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। लता मंगेशकर चौक है, राम की पेड़ी उधर जाएंगे। हंसी आ रहा है ना कि सब वहीं घुस घुस के ना आ रहा है। देखो यार गजब का पंखा है यार, इतना बड़ा, जितना लोग है सबको हवा दे रहा है, तभी तो यहाँ सब सोया हुआ है। बहुत अच्छा एकदम देखो ना लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं दिवाली के टाइम पे जो पूरा अवध को सजाया जाता है, वो ये वाला जगह वही है जो पूरा दियों से यहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नमता ब्लॉग्स पे। तो गाइस आज हम लोग अयोध्या में हैं और मॉर्निंग का समय है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम लोग जल्दी से रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को जस्ट निकलना है राम मंदिर के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग को हनुमानगढ़ी जाना है क्योंकि कहते हैं राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले वहीं जा रहे हैं और आज हम लोग पूरा अयोध्या में सब जगह दर्शन करेंगे, राम लल्ला के और हनुमानगढ़ी, सरयू नदी, लता मंगेशकर चौक और भी कहाँ कहाँ है वो सारा इस ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज का दिन हम लोग पूरा अयोध्या में बिताने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहना और पूरा इन तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं सीधा। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और पता है यहाँ एकदम जैसे ही हम लोग रूम से बाहर निकले ना हनुमान जी का दर्शन हो गए। मतलब पता है इधर घूमते रहते हैं जैसे हम लोग पार्क में टहल रहे हो। तो वहाँ स्टेशन में भी बहुत देखे थे अभी भी। तो अभी सुबह का ही टाइम है, जल्दी से निकल गए हम लोग कि लाइन ना लगना पड़े। हम लोग दर्शन के लिए इतना जल्दी निकल गए ना कि सूर्यदेव अभी दर्शन दे रहे थे, सुबह के 6 बज गए थे और तुरंत हम लोग टोटो पकड़ के पहुंच गए। तो पता चला कि यहाँ पे इतना भीड़ किस चीज़ का है। शुरू में तो हम लोग को लगा कि कुछ लड़ाई हो रहा है, मगर वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, वो लड़ाई नहीं हो रहा, वही कॉरिडोर है श्री राम लल्ला जी का और श्रद्धालु लोग कब से लाइन में खड़े हैं क्योंकि 6 बजे ही शायद गेट खुलता है और ये सब तभी से लाइन में खड़े हुए हैं। तो हम लोग सोचे बाप रे इतने सारे श्रद्धालु कब से लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग कितने पीछे हो गए। पर ज़्यादा पीछे हम लोग नहीं थे, बस हम लोग सबसे पहले जा रहे थे हनुमानगढ़ी। हम लोग को रास्ते में ही दिख गया वो दीवार और टोटो वाले भैया भी बता दिए कि ये हनुमानगढ़ी है, यहीं से सामने रास्ता है। तो बस वहीं से हम लोग का सफ़र शुरू होता है। तो गाइज हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं और अब लिवने कर एकदम सब रोड साइड में ही है, स्टेशन से बहुत सामने, एकदम कहीं दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ना मोबाइल भी स्टार्ट करने में हमको डर लगता है क्योंकि बंदर ही आस पास होता है तो बहुत दांत दिखाता है। हनुमानगढ़ी जाने से पहले हम लोग प्रसाद खरीद लेते हैं लड्डू, क्योंकि हनुमानगढ़ी में लड्डू ही चढ़ता है और एक माला, और ये मेन प्रसाद होता है जो कि यही चढ़ाया जाता है ऊपर। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि लाइन काफ़ी लंबा लगा हुआ है, तो हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं और जय श्री राम के नारों से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मेरे आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि मैं सच में उस जगह पे हूँ जहाँ पे वीडियो में देखा करते थे कि हनुमान गढ़ी कभी जाएंगे। हम लोग दर्शन करने के बाद वहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि सभी श्रद्धालु वहाँ पे बैठ के और पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वहाँ बुक सामने में रखा हुआ रहता है, वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ देर हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और सामने और भी चारों तरफ देवी देवताएँ हैं। उन सभी को दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा देर घूमते हैं और दीवारों में चारों तरफ वहाँ पे हनुमान चालीसा और भी दोहा वगैरह लिखा हुआ है, तो वो सब भी हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। हनुमान गढ़ी की एक अलग ही रहस्यमय कहानी है जो कि लोग आपको कुछ कुछ बता देंगे अगर किन्हीं से पूछोगे तो। बस इस तरह से हम लोग सब जगह दर्शन करने के बाद बस बाहर निकल ही रहे थे कि सामने हमें एक सीढ़ी दिखाई दी। कुछ लोग वहाँ चढ़ रहे थे तो हम लोग सोचे क्यों ना ऊपर चढ़ के देख लिया जाए कि क्या है। आप लोग कभी बाहर जाओ तो ये गलती कभी मत करना चाहिए। गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा इस यहाँ से बस चढ़े ही कि कोई ताला बंद कर दिया, हम लोग छत पे ही आ गए हनुमान गढ़ी के। पता नहीं अब कौन खोलेगा। वैसे हम लोग यहाँ चढ़ तो गए हैं पर यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। देखो वहाँ कितना भक्तों का भीड़ लगा हुआ है और यहाँ से मंदिर क्लियर दिखाई दे रहा है। थैंक गॉड हम लोग इधर से उतर गए। तो अब हम लोग निकासी द्वार से निकल रहे हैं और यहाँ पर लगता है काम होने वाला है। डराता है। तो गाइस हम लोग हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। कहते हैं कि श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, इसलिए हम लोग पहले वहीं पे हम लोग दर्शन किए, अब जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन के लिए। हनुमान गढ़ी से निकल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हम लोग पहुँच जाते हैं जो कि पहले ही है हनुमान गढ़ी से। वहाँ जाने के बाद ऐसा कॉरिडोर है, यही है श्री राम लल्ला जी के कॉरिडोर जिससे अंदर जाते हैं। तो बस यहाँ से घुसते ही कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है बैरियर को ताकि भक्तों को जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं कहाँ तक है। तो गाइस हम लोग का चेकिंग हो चुका है और देखिए हम लोगों को यहाँ से राम मंदिर अब दिखाई दे रहा है। इधर देखिए इधर लॉकर है, मोबाइल पर्स ये सब रखने का, और इधर ये साइड में जूता चप्पल रखने का। तो गाइस यहीं तक हम लोग मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, इधर वीडियो दिखा सकते हैं, राम मंदिर आगे नहीं जा सकते। यहाँ फोन अब हम लोग रखने वाले हैं, अब जा रहे हैं दर्शन करेंगे। तो फाइनली गाइज हमने दर्शन कर लिया है और हमें प्रसाद मिला है श्री राम जी के यहाँ से, और सामने से दर्शन करके इतना अच्छा लगा ना, मतलब ऐसा लग रहा था लल्ला को एकदम सामने से देख रहे हैं। मुंह से अपने आप निकल रहा था जय श्री राम जय श्री राम एकदम, और बहुत अच्छे से दर्शन किए। उतना भीड़ भी नहीं था और बहुत अच्छा लगा। बस एक चीज़ था कि ब्लॉग वहाँ पर शूट नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल, लेकिन यहाँ का व्यवस्था बहुत मस्त है, मतलब चप्पल रखने का अलग है और सामान रखने का अलग है, अंदर कुछ भी लेके नहीं जा सकते सिवाय पैसा और जेवर का बस, लेकिन बहुत अच्छा सुविधा है, इतना अच्छा सुविधा कहीं भी नहीं दिखे ना। तो अभी चलते हैं यहाँ से राम जी का महल दशरथ महल। राम मंदिर तो अंदर नहीं बना पाए लेकिन उनका कॉरिडोर जो है इस तरह से बन रहा है, इसी पे हम लोग फोटो ले लेते हैं। चलो मेरा लो पहले, सबसे पहले राम लल्ला के दर्शन के बाद हम लोग वहाँ से निकल के सीधा जाते हैं दशरथ जी का राजमहल। हम लोग आ गए हैं राजा दशरथ जी का राजमहल। सेंटर में ही है राम मंदिर, बहुत पुराना लग रहा है। अभी अंदर जा रहे हैं, गर्मी लग रहा है। तो ये है राजा दशरथ जी का प्रांगण, ये प्रांगण हुआ करेगा।
और अंदर में रूम होगा। अच्छा तो हम लोग आ गए हैं राजा जगत। अभी हम लोग आ गए हैं कनक भवन, जो कि राजा दशरथ महल से थोड़े से आगे यही है। नहीं नहीं इधर सो, ये हम लोग कनक महल के अंदर है, श्री राम जी का घर है ये। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अयोध्या का फेमस कचौड़ी छोला और दही। गाइस हम लोग अभी रूम पे आ गए हैं, मतलब हमारा पूजा 10 बजे के आसपास कंप्लीट हो गया है और अभी खा पी के हम लोग 11 बजे तक रूम आ गए। अभी रेस्ट करेंगे और शाम को निकलेंगे फिर सरयू नदी की तरफ, उधर लता मंगेशकर चौक है और भी रात का नज़ारा देखेंगे। उसके बाद आज रात को ही हम लोग रिटर्न होंगे, तो अभी जा रहे कुछ रेस्ट कर लेते हैं। वेल गाइस तो हम लोग रूम चेकआउट कर लिए हैं और रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम पे सामान रख के हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी, जो कि अभी तक हम लोग गए नहीं थे। और कल यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके वजह से यहाँ सिक्योरिटी पूरा टाइट हो गया है, तो वो सब हम लोग को देखने को नया ही मिल रहा है। पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा क्राउड है शाम के टाइम में, बताओ यहाँ पे। और लाइटिंग तो ज़बरदस्त लगा है यहाँ पे, दिखाते हैं हम लाइटिंग यहाँ का। मोदी जी आ गए, पूरा पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रहा है। देखो गाइस इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है सभी का घर, कि सबका सेम लग रहा है, देखो सबका सेम ही लग रहा है। गाइस हम लोग आ गए हैं लता मंगेशकर चौक, तो ये रहा गाइस लता मंगेशकर चौक का भी लो इस तरह से है। तो ये रहा लता मंगेशकर चौक, आप लोग देखो हम लोग वहीं पे अभी आए हैं जस्ट, और अभी इधर है राम की पेड़ी, उधर जाएंगे अभी हम लोग। गाइस हम लोग सरयू घाट आ चुके हैं, सरयू नदी। हम लोग आ चुके हैं सरयू नदी के तट पर और वो घाट अभी हम लोग गए थे, अभी हम लोग आए हैं एग्जैक्ट राम की पेड़ी पे, जो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से रील्स में, जो खास करके दिवाली के टाइम पे जो पूरा अवध को सजाया जाता है, वो ये वाला जगह वही है जो पूरा दियो से यहाँ पे पूरा इसी जगह पे एग्जैक्ट इसी जगह पे पूरा दिया से पूरा राम ये सब सब बनाया जाता है। तो हम लोग उसी जगह पे अभी देखो नदी को काट के बनाया गया सरयू नदी इस तरह से, इसको काट के बनाया गया, वहाँ से नदी निकाला गया उधर से काट के और ऐसा बनाया गया। तो हम लोग सरयू नदी में अपना पैर डुबाए हैं और ज़्यादा गहरा नहीं है, सब नहा रहा है उधर, और हम लोग थोड़ा सा बस ऐसे ही राहत के लिए फिसलन है। तो
हम लोग आ चुके हैं सरयू नदी में और ज्यादा गहरा नहीं है, बस नहाने इतना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी में दिया जलाने। चलो, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जीवन सुख संपत्ति शांति से भरी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो यहाँ पे सब नहा भी रहा है यार, इतना हंसी आ रहा है ना कि सब वहीं घुस घुस के नहा रहा है। देखो सर, देखिए गाइस कितना क्लीन है इस तट को, कितना क्लीन रखा गया है। और सोचो दिवाली में क्या ही नज़ारा यहाँ रहता होगा। तो गाइस देखो कितना अच्छा स्तंभ बनाया गया है। लता मंगेशकर चौक यहीं पे है पास में, और इधर है जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है उसके। फिर हम लोग आ जाते हैं सूर्यपथ। अगर आप बाय रोड अयोध्या आओगे तो सबसे पहले आपको यह सूर्यपथ ही दिखेगा। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं वापस। अब हम लोग का ट्रेन काफ़ी लेट है लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे आ गए हैं। और ये इतना बड़ा स्टेशन बना है अयोध्या जंक्शन की कोई एयरपोर्ट से तो कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। देखो कितना सुंदर है, बैक करके दिखाते हैं। क्या गजब का पंखा है यार, इतना बड़ा है कि इतना लोगों यहाँ भरा, जितना लोग हैं सबको हवा दे रहा है। तभी तो यहाँ सब सोया हुआ है। बहुत अच्छा एकदम, देखो ना गजब का है यार। बाहर से तो है ही सुंदर और अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग वापस आ रहे थे घर अयोध्या से। तब तक वाराणसी पार किए पुल, तो दिखा हम लोग को नमो घाट, जो कि पिछले वाले ब्लॉग में नीचे से नमो घाट से ऊपर पुल दिखाए थे और अभी ऊपर से नीचे नमो घाट दिखा रहे हैं। क्या कोइंसिडेंस है। वेल गाइस तो अभी हम लोग जस्ट घर आए हैं। क्या बताएं, ट्रेन में इतना लेट हो गया। कुछ चल रहा है ना अभी, क्या किसान आंदोलन चल रहा है जिसके कारण हम लोग का ट्रेन बहुत लेट था, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, एंड नहीं कर पाए। जस्ट अभी घर आए हैं और अभी हम एंड कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का ये 3 से 4 दिन का ट्रिप बहुत अच्छे से बीता और दर्शन हो गया। और अभी टोटो का दर्शन, टोटो का कलर इतना आ गया है। देखो ये वाला कलर नहीं था ना, ये वाला आ गया। हां पूरा ग्रीन हो गया माथा में भी, ये पूरा पेट में पूरा हो गया, पूरा कलर आ गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ठीक है गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि हम डिटेल में बताए हैं कि कैसे कैसे दर्शन किए और बहुत इजी तरीके से दर्शन किए अयोध्या में। तो एकदम मन खुश हो गया रामलला को देख के। तो आप लोग भी कभी जाओ तो मेरा ब्लॉग देख के जाना, तो समझ में एकदम ईजली आएगा कि कैसे कैसे जाना। तो ठीक है, हम तो बहुत इन्जॉय किए। आई होप ये वाला ब्लॉग देख के आप लोग भी इन्जॉय किए होंगे और भगवान जी का दर्शन किए होंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट डू सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।